हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल्थ ट्रेडिंग एकेडमी। अनदर वन लाइव वेबिनार विद द ऑल द क्लाइंट्स, दैट इज अल्गो ट्रेडिंग वेबिनार। अल्गो ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग को सब पता होता है, प्राइस एक्शन पता होता है, सॉफ्टवेयर पता होता है, सेटअप पता होता है, या टिप्स फ्रॉड ऐसे मुझे कॉल्स भी मिल जाते हैं, बट वहां पे एक बड़ा ड्रॉबैक होता है, मतलब फियर, ग्रीड और इमोशंस। रादर देन वो दोनों को मैं काउंट करूं तो एक होता है इमोशंस। तो एक इमोशनल लेस ट्रेडिंग कि भाई मेरा जो भी कुछ सेटअप है वो सेटअप में अगर कंप्यूटर को दे दूं और कंप्यूटर मतलब अल्गो अपने आप बाय और सेल मेरे अकाउंट में कर ले, एक पर्टिकुलर टारगेट, पर्टिकुलर स्टॉप लॉस और जो भी कुछ एग्जिट क्राइटेरिया मैंने मेंशन कर दिया, तो इन बिटवीन जो इमोशंस आते हैं ग्रीड एंड फियर के, अरे डर के मारे मैं एग्जिट कर लेता हूँ या मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखता है, तभी भी बहुत जन को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत बार फिर वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो पाता प्रॉपर राइट टाइम पे, या रॉन्ग कैलकुलेशंस हो जाते हैं। तो वो इमोशनल लेस ट्रेडिंग वो एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, दैट इज अल्गो ट्रेडिंग का। तो वही वेबिनार आज हम लोग देखेंगे आज सारे क्लाइंट्स के साथ। या दिस इज द वेबिनार फॉर द अल्गो ट्रेडिंग। व्हाट इज द नेसेसरी ऑफ द अल्गो ट्रेडिंग दिस ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक सिचुएशंस, कि जो कोरोना का अभी सिचुएशंस आया है, बहुत जन के जॉब चले गए, बहुत जन के पास पैसे है बट दे डोंट नो कि वेयर टू इन्वेस्ट। स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, इफ दे इन्वेस्ट इन स्टॉक्स देन इमीडिएटली वो स्टॉक्स डाउन हो जाता है और जहां पे आप बेचते हो वहां से अप चले जाता है, या इफ यू हैव द पोटेंशियल कि इफ यू बॉट सम स्टॉक्स अराउंड 200 एंड इफ द स्टॉक्स टारगेट इज 250-240 आया, देन यू आर इन द ग्रीड। वाओ, अरे अभी ये और नहीं बढ़ेगा, अरे अभी तो हो गया, बहुत हो गया, एंड यू कैन एग्जिट योर पोजीशन, एंड वंस यू एग्जिट योर पोजीशन वो 240 का डायरेक्टली 300 हो जाता है। आई थिंक दिस इज हैपेंस टू ईच एंड एवरी पर्सन, सेम एज इन द डाउनफॉल ऑल्सो। इफ यू बॉट समथिंग, लेट अस से निफ्टी था कि आपने कुछ 15,000 पे बाय किया, वो नीचे आया 14,000, तो आप डर के मारे निकल जाते हो, बट एक्चुअल स्टॉप लॉस इज अनदर फॉर्म में होता है और फिर वहां से बाउंस बैक होता है। और अभी एक प्रदोष करके कोई था, उन्होंने मेंशन किया कि ही शॉर्टेड सम निफ्टी अराउंड 14,670 एंड स्टिल ही इज होल्डिंग, तो कितना बड़ा लॉस है क्योंकि निफ्टी तो अभी हायर हाई बना रहा है एंड निफ्टी गेव द ब्रेकआउट ऑल द टाइम इन प्राइस एक्शन ऑल्सो, इन डेटा ऑल्सो एंड इन सॉफ्टवेयर ऑल्सो। सो एट दैट टर्म ऑल्सो कि इमोशंस आ जाते हैं, टू टाइप्स के इमोशन, एक ग्रीड एंड फियर जो बहुत जन ने एक्सपीरियंस किया रहेगा। So you have to overcome this greed and fear. Okay? After a long time, since I was in stock market from 2005 to 2006, तो 15 years के time span में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे, means big losses till 2015-2016 and then big uptrend also. Big uptrend means in the profit stage also. So right now I'm in that stage. Now I have to manage how to manage the big money. So I'm in that stage. So in stock market also there are the different stages. जैसे human life में बहुत सारे stages होते हैं, कि kids का stage होता है, छोटे बच्चे होते हैं, फिर और थोड़े बड़े होते हैं, school के life, फिर college के life, फिर job life, फिर marriage life, फिर parents life, like that way. वैसे traders के life में भी बहुत सारे stages होते हैं. You must be experience each and every stage. कि बहुत जन ऐसे होते हैं कि इतना स्ट्रगल करते हैं कि लॉसेस 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 कंटिन्यूअस लॉसेस एंड देन सडनली दे गॉट टू नो समथिंग नॉलेज एंड फिर उनका लाइफ चेंज हुआ, जो मेरे साथ हुआ कि प्रीवियसली आई वाज कंटिन्यूअसली लॉस, जब से मैंने फिर नॉलेज लेना स्टार्ट किया देन आई चेंज माय लाइफ 360 डिग्री। सो ये नॉलेज चेंजिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सेकेंड थिंग, सो फिर प्रॉपर नॉलेज एंड इमोशनल लेस ट्रेडिंग is the key. Emotional trading means consistent performance with the discipline trading. That is called as algo trading. That is a beneficial of algo. कि algo में knowledge होता है, I मतलब मेरे पास जो knowledge है, जो मुझे live market में apply करना, वो मैंने मेरे algo के पास दे दिया है. Then algo will decide कि मुझे क्या करना है. मैंने मेरा entry, मेरा exit and मेरा stop loss criteria already mention कर दिया है. Then I don't want to look ना इच एंड एवरी टाइम कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अरे आप पॉजिटिव गया 2000 गया, अरे वो 2000 का 20,000 भी हो सकता है, ये नेगेटिव आया 1000 2000, अरे वो 30,000 भी जा सकता है, तो मुझे कहाँ पे तो प्रोटेक्ट करना है ना, आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। ठीक है,
एंड सो दैट प्रोटेक्शन इज इम्पोर्टेंट एंड थैंक यू ऑल कि इट्स 195 पार्टिसिपेंट्स नाउ. माय सेकंड टारगेट इज ऑल्सो अचीव एंड माय थर्ड टारगेट इज 225 नाउ. ओके लेट्स वेट एंड वॉच एंड माय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज 170 नाउ. ठीक है. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द अल्गो ट्रेडिंग कि जो मुझे मेरे पास नॉलेज है जो मैंने लिया हुआ है इतने वर्स्ट एक्सपीरियंस में. और मैंने बोलो ना मार्केट में छोटा सा सिंपल मूविंग एवरेज भी चलता है. सिंपल मूविंग एवरेज ऑल्सो वर्क. यू कैन यूज 20 डेज 5 डेज 21 डेज कोई 34 डेज यूज करता कोई 50 करता कोई 100 करता. एनी सिंगल मूविंग डेज ईच एंड एवरी टाइम फ्रेम में आप यूज करो वही टाइम फ्रेम लाइफ टाइम यूज करो. लिख के देता हूं मैं डेफिनेटली यू आर इन प्रॉफिट ओनली. बट होता क्या है ये माइंड ऐसे है कि आज कुछ तो डिफरेंट टेक्निक कल कोई तो डिफरेंट टेक्निक फिर परसों यूट्यूब पे कोई तो दूसरा टेक्निक देखेंगे किसी ने ये प्रॉफिट किया फिर उसको टिप्स प्रोवाइडर के पास जाएंगे एंड दे आर जस्ट शफलिंग लाइक मंकी होते हैं ना एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाते हैं लाइक दैट वे में उनका माइंड शफल होते रहता है वन स्ट्रैटेजी टू अनदर स्ट्रैटेजी थर्ड स्ट्रैटेजी एंड दे एंड एट दैट टाइम फिर कंटिन्यूअसली लॉसेस होते हैं. अगर आप एक ही स्ट्रैटेजी कंटिन्यूअसली यूज करो ट्रस्ट मी मैंने मेरे क्लाइंट्स को बोला यू बी विथ मी विथ फॉर द 6 to 1 year 6 month to 1 year देन डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे. अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं लाइफ में होते तो स्टॉक मार्केट में तो कुछ बड़ी बात नहीं. बहुत जन में तो स्टॉक मार्केट में डाउनफॉल ही देखा रहेगा क्योंकि 95% लोगों का फेलियर होता है इन स्टॉक मार्केट. बट इफ यू फॉलो द सेम प्रोसेस विद द सेम डिसिप्लिन मैनर देन आपको जो भी कुछ हिट रेशियो है आपका जो भी कुछ सक्सेस है वो आपको कंटिन्यूअसली दिखेगा. यू विल अचीव योर सक्सेस गोल इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. ठीक है वही आज हम लोग देखेंगे दैट इज द अल्गो ट्रेडिंग. ओके so in algo trading we can definitely share some ppts with you. So why the necessity of the algo trading? First one of the basic important criteria that is a speed. वो स्पीड हम लोग मैच नहीं कर सकते. व्हेनेवर वी डिसाइडेड जैसे मैंने कल डिसाइड किया था कि बैंक निफ्टी विल बी ब्रेकआउट. अगर आपने नहीं देखा रहेगा तो मैंने जैसे डिसाइड किया था यहाँ पे अगर मैं बैंक निफ्टी बताऊँ आपको कि इफ द बैंक निफ्टी ब्रेकआउट 34,150 लेवल देन स्काई इज अ लिमिट फॉर दैट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दैट गिव्स द इजीली 500 पॉइंट्स. तो मुझे वो ऑर्डर डाल के रखना फिर वो मैच करना मैन्युअली फिर उसका स्टॉप लॉस लगा के रखना मैन्युअली highly impossible. So ये जो भी कुछ प्रोसेस है ये प्रोसेस स्पीड फर्स्ट फैक्टर इज अ स्पीड कि स्टॉप लॉस का जो स्पीड है या एंट्री का जो स्पीड है एट अ टाइम. मतलब मैंने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है अल्गो ट्रेडिंग के लिए इट्स नियरली कॉस्टिंग 4 to 5 lakhs फॉर मी इनिशियल इन्वेस्टमेंट. सो एट अ टाइम 1000 लोगों के ऑर्डर पंच हो सकते हैं इतना बड़ा सॉफ्टवेयर लिया विद द टाइम स्पैन ऑफ 2 seconds. फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मतलब 2 seconds मतलब डिले ऑफ 2 seconds ओनली पर 100 स्लॉट्स में. मतलब अगर किसी में नहीं हुआ तो 2 seconds के अंदर वो ऑर्डर प्लेस कर लेता है. दैट इज द स्पीड. अनदर स्पीड इज इंपॉर्टेंट दैट इज माय अल्गो इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर कि बहुत सारे अल्गो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है ट्रेड ऑन है बहुत जन ने मुझे बताया था या और भी 3-4 ऑलरेडी अवेलेबल है. उसमें वन ऑफ द बेसिक इशू जो मैंने फाइंड आउट किया वो मतलब स्टॉप लॉस का. व्हेनेवर द मार्केट इज इन द ट्रेंड ना एट दैट टाइम वो स्टॉप लॉस लेता नहीं है. दैट्स द बिगेस्ट इशू विद कंपैरिजन विद द अदर अल्गो प्लेटफॉर्म. बट मेरे यहाँ पे प्लेटफॉर्म में वो 2 seconds के अंदर विद इन द 2 seconds वो स्पीड में मेरा स्टॉप लॉस एट अ टाइम. अगर मेरे 1000 lots भी अवेलेबल है तो वो रेट पे वो सेटल हो जाते हैं. हर एक का रेट डिफरेंट डिफरेंट होता है. रेट्स मे बी वेरी फ्रॉम 2 points to 5 points. ठीक है 2 points से 5 points का डिफरेंस हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल मैं कल का एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ तो आपको क्लियर पता चलेगा. देन वी कैन स्टार्ट विद माय स्ट्रेटजीज. ओके यहाँ पे किसी ने लेट अस से कॉल को शॉर्ट किया हुआ है. दोनों शॉर्ट किए कॉल भी शॉर्ट किए पुट भी शॉर्ट किए. लेट अस से दे वांट आई होप यहाँ पे जिन्होंने भी ज्वाइन किया ऑल आर एक्सपर्ट कि उनको पता है कि कॉल कभी शॉर्ट करते पुट कभी शॉर्ट करते. तो भी एक बार बता दे व्हेनेवर द मार्केट इज बुलिश देन हम लोग कॉल शॉर्ट करते हैं. व्हेनेवर द मार्केट इज बेरिश नहीं व्हेनेवर द मार्केट इज बुलिश हम लोग पुट को शॉर्ट करते हैं. व्हेनेवर द मार्केट इज बेरिश देन हम लोग कॉल को शॉर्ट करते हैं. एंड व्हेनेवर द मार्केट इज साइडवेज हम लोग दोनों को शॉर्ट कर देते हैं. ठीक है तो लेट अस से अगर किसी को यहां पे कल लेट अस से यहां तक जाने का किसी को लगा कि अभी ये साइडवेज एक्शन जाने वाला
दिस मे बी अ साइडवेज एक्शन, ठीक है। सो इन दिस साइडवेज एक्शन मेजोरिटी ट्रेडर्स ने शॉर्टिंग किया था, मैंने बहुत सारे टेलीग्राम पे देखा था कल कि बहुत जने यहाँ पे पुट दिया, आई एम हैप्पी विद दैट, बट कल का पुट का बाय का था ही नहीं ना, क्योंकि डेटा इज स्टिल बुलिश। तो यहाँ पे ये साइडवेज एक्शंस में लेटर से किसी ने दोनों शॉर्ट किया, पुट भी शॉर्ट किया, कॉल भी शॉर्ट किया, व्हाट हैपेंड व्हेन एट द सडन मोमेंट इज हैपन, तो उसने जो भी कुछ बुलिश है, तो कॉल अगर किसी ने शॉर्ट किया लेटर से 34,000 का, मैं आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, 34,000 का अगर किसी ने कॉल शॉर्ट किया है एट लेटर से 100, मैं बता रहा हूँ एग्जांपल दे रहा हूँ, एट लेटर से 100, और उसने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है 130 का या 140 का लेटर से, 40% रखा लेटर से, ठीक है। अगर सडनली मार्केट ने जंप किया, मतलब 140 प्राइस आया नहीं और सडनली, ऐसे जनरली बहुत बार होता है बैंक, जो कल हुआ था और डायरेक्टली लेटेस्ट से प्राइस 150 आया, इसका स्टॉप लॉस तो लेगा ही नहीं ना। बहुत जन मुझे बोलते हैं सर मेरा जीरो में स्टॉप लॉस गया ही नहीं, या मेरा अपस्टॉक्स में स्टॉप लॉस गया ही नहीं, सो दैट फैक्टर्स मैंने मेरे अल्गो में अवॉइड किया, मतलब लेटेस्ट से 140 प्राइस आया ही नहीं, सो माई अल्गो विल वेट फॉर ओनली 2 सेकेंड, हाउ मच 2 सेकेंड, मतलब मैं बात कर रहा हूं उसमें 2 सेकेंड खत्म हो गया, सो वो 2 सेकेंड में ये जहां पर भी जो प्राइस रहेगा वो प्राइस वो ले लेगा, उसने 140 हिट नहीं किया तो, दैट टाइप ऑफ स्पीड ऑफ एक्यूरेसी मैंने वहां पे, वो टाइप का सर्वर मैंने लॉन्च किया हुआ है, दैट इज अ फर्स्ट, जो आपको ट्रेडऑन या कोई अदर प्लेटफॉर्म जो है वहां पे वो टाइप्स के फैसिलिटीज नहीं मिलेंगे, ठीक है, जो फैसिलिटीज आपको यहाँ पे स्पीड में मिलेंगे। स्ट्रेटेजी मतलब 100% जो मैं मैनिपुलेट किया है, जो मैंने प्रेडिक्ट किया है, वही मुझे अल्गो में एग्जीक्यूशन होना चाहिए, तो स्ट्रेटेजी वाइज दिस इज 100% प्रूफ कि मैं जो बोलूंगा वही वो बाय करेगा, अदर देन दैट वहां पे कोई अलग सिनेरियो बाय नहीं होता या सेल नहीं होता, दैट इज अ स्ट्रेटेजी वाइज। कंसिस्टेंसी वाइज एंड डिसिप्लिन वाइज अगेन 100% कि हम लोग वही सेम स्ट्रेटेजी थ्रू आउट द मंथ रन करते हैं, नो अदर फैक्टर्स वहां पे, ठीक है। तो ये मेरे 3 प्लस पॉइंट है, ये स्पीड वाला प्लस पॉइंट आपको रेयरली मिलेगा इफ यू आर ऑप्शन सेलर्स ना, ये मैंने बहुत जगह पे टेस्ट किया, बाद में मैंने मेरा लॉन्च किया, ये मेरी खासियत है मेरा यूएसपी कि पहले ना मैं खुद चेक करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई चेक एक्सपेरिमेंट जो भी कुछ हो मेरे पे करता हूँ, देन मैं लॉन्च करता हूँ, ठीक है। तो मैंने खुद ऑलरेडी लॉन्च सब किया एक्सपेरिमेंट में, छोटे सर्वर लेके देखे, फिर जाके बड़ा इन्वेस्टमेंट किया 1.5-2 मंथ्स पहले, क्योंकि मेरा टारगेट 1,000 क्लाइंट्स है कि भाई उतने क्लाइंट्स का उतने ऑर्डर्स एट अ टाइम पंच होने चाहिए। फिर यहाँ पे जो भी कुछ मैंने बताया कि इमोशंस है, स्ट्रेस है, एरर्स है, वो सब जो भी कुछ है वो तो सब अल्गो में होते हैं, वो सब 0% है, मतलब वहां पे कुछ मुझे फैक्टर ही नहीं कर रहे, ठीक है। सो दैट दीज आर द रीजंस कि अल्गो ट्रेडिंग के ऊपर देखना। और एक क्या बेसिक रीजन है कि मेजोरिटी क्लाइंट्स आर बिजी, बिजी इन द ऑफिस और घर के काम में बिजी होते हैं, मेजोरिटी क्लाइंट्स लेटर से रिटायरमेंट लिया है, बहुत बड़ा प्रोविडेंट फंड आया है, बट वॉट इज द बैंक रिटर्न्स, बैंक रिटर्न्स इज अ ईयरली बेसिस 6-7%, या चलो मैं मैक्स 10% पकड़ता हूँ, कोई कॉर्पोरेट बैंक है और 60+ है, ठीक है, तो उनको ज्यादा परसेंट है तो 10%, मैं मैक्स 10% ईयरली बात कर रहा हूँ। वॉट अबाउट द म्यूचुअल फंड, अगर आप कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी अच्छा वाला लो, नॉट मोर देन 15% ईयरली बेसिस, किसी इसी मंथ में किसी ने ईयरली चालू किया तो उनको 25-30% भी दिखा रहेगा, 40%, बट म्यूचुअल फंड कोई एक ईयर के लिए लगता है, अगर आप 40 इयर्स, 30 इयर्स, 20 इयर्स रखते हो, देन जाके आपका एनुअली रिटर्न 12-15% के बीच में आता है, ठीक है, दिस इज अ टॉप क्लास, एक्सेप्शंस आर देयर, ठीक है। तो अल्गो ट्रेडिंग में आपको कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस दिखाई देता है, जो परफॉर्मेंस मैं आपको आज बताऊंगा कि कौन से स्ट्रेटेजीज हम यूज कर रहे हैं, उसका परफॉर्मेंस क्या है ईयर एंड ईयर, वो भी सब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा आज, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी वी कैन शेयर, या गुड, वी कैन नाउ 209, माय नेक्स्ट टारगेट इज 225, जैसे मैंने डिस्कस किया, नाउ माय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज 190, एट एनी कॉस्ट 190 के बिलो पब्लिक नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटेजीज, दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग आपको ये वेबिनार में भी मैं हमेशा बताता हूँ, ठीक है। चलो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रैडल से, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी स्ट्रैडल। उसको मैंने नाम दिया बैंक निफ्टी गोल्डन स्ट्रैटेजी अल्गो, ठीक है। बैंक निफ्टी गोल्डन स्ट्रैटेजी अल्गो मींस बैंक निफ्टी स्ट्रैडल इंट्राडे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैडल? स्ट्रैडल मींस क्या, एट अ टाइम मैं कॉल को शॉर्ट करता हूँ, एट अ टाइम मैं कॉल को शॉर्ट करता हूँ और एट अ टाइम मैं पुट को शॉर्ट करता हूँ।
विथ स्ट्राइक प्राइस, एटीएम का जो भी कुछ होगा वो प्लस माइनस 100 करके मेरे अल्गो में जो मैंने प्रोग्राम लिखा है उसके हिसाब से वो एट अ टाइम दोनों शॉर्ट करता है. वॉट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, मनी रिक्वायरमेंट कितना है उसके लिए? उसके लिए मनी रिक्वायरमेंट है 1.5 लाख, ठीक है. और एक मैंने बात बताना भूल गया, अल्गो ट्रेडिंग इज एप्लीकेबल ओनली विद द अलाइज ब्लू अकाउंट, वो भी आप मेरे अंडर अकाउंट ओपन करते हो तो फर्स्ट. तो बहुत दिन मुझे कि व्हाई ओनली अलाइज ब्लू अकाउंट, व्हाई नॉट अदर अकाउंट्स, व्हाई नॉट ज़ीरोधा, या आई विल एक्सप्लेन व्हाई नॉट अपस्टॉक्स. कि एक जो एपीआई की लगता है जो आप मेरे सर्वर को और आपके अकाउंट को और आपके अलाइज ब्लू के अकाउंट को जो कनेक्ट होता है, दैट इज द एपीआई की, वो अलाइज ब्लू में एब्सोल्युटली फ्री है. इफ यू सिलेक्ट द ज़ीरोधा, देन ज़ीरोधा को आपको अलग से मंथली 2500 पे करना पड़ेगा फॉर द एपीआई की ओनली, एपीआई की एग्जीक्यूशन. सेम एज अपस्टॉक्स में कुछ तो 800 या 900, सेम अलाइज ब्लू में वो एब्सोल्युटली फ्री है. दैट्स व्हाई द अलाइज ब्लू, सिंस आई हैव द फ्रेंचाइजी विद द ज़ीरोधा आल्सो, आई हैव द फ्रेंचाइजी विद अपस्टॉक्स आल्सो, आस्था ट्रेडर आल्सो, बट व्हाई अलाइज ब्लू? वेयर एज मेजॉरिटी ट्रेडर्स बोलते हैं कि सर आपको तो बेनिफिट आ रहा है, बेनिफिट नॉमिनल होता है, वो 20 रुपीज चार्ज करते हो उसमें 2 रुपया 1 रुपया मुझे मिलेगा तो क्या मैं क्या कमाऊंगा. बट अलाइज ब्लू प्लेटफॉर्म क्यों? क्योंकि उनका एपीआई की फ्री है. दैट्स द बेसिक रीजन जो मुझे बहुत जन पूछते, ठीक है. अगर आप चाहो तो आप ज़ीरोधा यूज करो, बट ज़ीरोधा को आपको अलग से 2.5 पे करना पड़ेगा और मुझे अलग से जो मेरे सर्वर के चार्जेस है वो अलग से पे करने पड़ेंगे, ठीक है. व्हाट इज अ टाइम फ्रेम? टाइम फ्रेम क्या होता है? टाइम फ्रेम इज एवरीडे फिक्स. मैंने बोला ना कि कंसिस्टेंसली स्ट्रेटजीज वाइज परफॉर्मेंस डिसिप्लिन, वो आपको अल्गो में मतलब 9:20 to 9:25 इसके बीच में मेरा अल्गो एग्जीक्यूट हो जाता है. डिपेंडिंग अपन द मार्केट कंडीशन, वोलाटिलिटी, एक वीक्स फैक्टर भी मैंने यहाँ पे ऐड किया, वीक्स कितना होना चाहिए, उतना होने के बाद वो 9:20 to 9:25 के बीच में वो शॉर्ट करता है एट अ टाइम सबके अकाउंट में. मतलब एट अ टाइम अभी 100 अकाउंट से तो 100 लॉट्स एट अ टाइम पंच होते हैं, कॉल के भी और पुट के भी एट अ टाइम. दैट इज कॉल्ड एज बास्केट ऑर्डर्स, ठीक है. अभी यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी का कॉल लेटेस्ट से किसी का कॉल 150 में शॉर्ट हुआ तो सब 100 क्लाइंट्स का 150 में नहीं होगा, दैट वेरी फ्रॉम 147 टू 154 क्योंकि मार्केट रेट पे होता है ना वो, जो मार्केट प्राइस चलता रहेगा तो वो प्लस माइनस 3 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स होता है बैंक निफ्टी में. एंड निफ्टी में दैट इज वेरी फ्रॉम 2 to 5 पॉइंट, किसी का 2 पॉइंट होता है, किसी का 3 पॉइंट होता है, किसी का 1 पॉइंट होता है, किसी का डॉट होता है, वही इसमें, ठीक है. दैट डिपेंड्स ऑन द कितने नंबर ऑफ लॉट्स खड़े, तो इतना वेरिएशंस होता है. तो प्रॉफिट में भी डेली वेरिएशंस होता है, लॉस में भी. अगर किसी का प्रॉफिट 1200 है इंट्राडे का तो वो वेरी हो सकता है 900 से लेके 1300 के बीच में, या 1000 से लेके 1300, क्योंकि कितने पॉइंट्स का डिफरेंस हुआ है बाइंग में और सेलिंग में वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है. नेक्स्ट, मैक्सिमम लॉस इन इंट्राडे कितना है? 8000 का लिमिट रखा है कि 8000 के ऊपर हम लोग मैक्सिमम लॉस नहीं लेते किसी भी हालत में. वो 8000 मतलब ऑटो स्क्वायर ऑफ में कर देता हूं, दैट इज अ मैक्सिमम लॉस. मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है? 4000 से 10000 के बीच में. मतलब कल ही हम लोगों ने देखा था स्ट्रैडल में कुछ 4500 प्रॉफिट हुआ था, ठीक है. इसका अल्गो मंथली चार्जेस कितना है? इसका 2000 है अल्गो मंथली चार्जेस पर सेट. मतलब आपको अगर वन सेट करना है तो 1.5 लाख पे करने पड़ेंगे और उसका 2000 मंथली चार्जेस है. इफ यू वांट टू डू द टू सेट्स तो आपका 4000 चार्ज हो जाएगा और आपको 3 लाख आपके अकाउंट में रखने पड़ेंगे, ठीक है. तो जस्ट आई विल शेयर द परफॉर्मेंस कि ये बैंक निफ्टी स्ट्रैडल जो है जो 920 को होता है, जिसका नाम दिया मैंने गोल्डन स्ट्रैटेजी, उसका परफॉर्मेंस हम लोग देख लेते हैं. जस्ट अ मिनट, सो दिस इज अ परफॉर्मेंस जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है. ये मैंने अभी लास्ट 5 इयर्स का शीट है, ये चाहिए तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है. तो आपको पता चलेगा कि पावर कितना है इसका, ठीक है. यहाँ पे ये मैंने बताया कि 1 लॉट एटीएम का शॉर्ट हुआ है और यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना होता है वो एक इम्पॉर्टेंट है. स्टॉप लॉस इज वेरी फ्रॉम 30% to 40%, वो डिपेंडिंग अपॉन द इंडिया विक्स, बट 30% जनरली 90% रखते हैं हम लोग.
और थर्सडे के दिन वो जनरली 35% रखते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारा वोलाटिलिटी होता है, वो मेरा अल्गो ऑटोमेटिकली मैच कर लेता है उसमें, तो प्रॉफिट भी तो उससे ज्यादा ही होगा जो भी कुछ है वो। तो एटीएम का 1 लॉट बैंक निफ्टी है, मैंने टाइम लिख दिया यहाँ पे 9:20, जस्ट ए mockstock.in करके वेबसाइट है जहां पे आप आपका स्ट्रेटेजीज बैक टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने 2017 से लिया है अब तक का परफॉर्मेंस, 2017 से, कैन यू इमेजिन, मतलब लास्ट 5 ईयर्स का परफॉर्मेंस आपको मैं बता रहा हूँ। यू कैन चेक द 10 ईयर्स का परफॉर्मेंस, मतलब अगर आपने 5 ईयर्स से 1.5 लाख से अगर स्टार्ट किया होता तो 1.5 लाख का अभी 6,36,000 होता था। इज दैट क्लियर? हाउ मच? 6,36,000, ठीक है। तो ये लास्ट 5 ईयर्स में मैक्सिमम प्रॉफिट कितनी बार कितना दिया उसे? 35,000, और मैक्सिमम लॉस कितना? 18,000। ये मैक्सिमम लॉस 18,000, मतलब बहुत बड़ा रैली हुआ रहेगा बोथ दी साइड में, तभी जाके वो लॉस हुआ, बट प्रॉफिट भी उसके सामने, तो ऐसा एक दिन हो भी सकता है वो लास्ट 5 ईयर्स में, बट लास्ट 6 मंथ में ऐसा हुआ नहीं। लास्ट 6 मंथ का मैं रिकॉर्ड भेजू तो 8,000 मैक्सिमम लॉस है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज अ विनिंग रेशियो। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कि आपका 70% प्रोबेबिलिटी है विनिंग रेशियो, मतलब आप जो भी 100 टाइम्स अगर ट्रेड कर रहे हो तो इसका लास्ट 5 ईयर्स में कंसिस्टेंसी देखो, लास्ट 5 ईयर्स में क्या, एवरी ईयर दी स्ट्रेटेजीज गिव द 70% प्लस रिकॉर्ड ओनली, ठीक है। तो 70% और लूजिंग कितना है? 30%। आपको एक बात बता, तो वॉरेन बफेट जी का विनिंग रेशियो कितना है पता है? आप गूगल जाके कर लो या उनके यूट्यूब के बुक या उनका बुक्स पढ़ लो, आपको पता है उनका विनिंग रेशियो ओनली 43%, बट स्टिल ही इज अ मल्टी बिलियनियर। क्यों? क्योंकि कंसिस्ट वही प्रोसेस वो सेम लास्ट 50-60 ईयर से फॉलो करते आ रहे हैं, तो प्रोसेस इज अ इंपॉर्टेंट की। मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना हुआ है वो इंपॉर्टेंट, बहुत जन पूछे कि मैक्सिमम मतलब मेरा कैपिटल कितना इरोड हो सकता है, जो मैंने 1.5 लाला था पूरे लास्ट 5 ईयर्स में, कभी भी वो 1.2 के नीचे नहीं गया, 1.2 लाख से, दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम ड्रॉडाउन। विनिंग डेज कितने मिले? कंसिस्टेंट विनिंग डेज 15 डेज कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मिला है अब तक, और लूजिंग डेज कभी तक गया? 4 डेज तक लूजिंग गया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये रिकॉर्ड बताता हूँ, ये रिकॉर्ड है अब तक का जो स्ट्रैटेजी में यूज करो, मतलब 2017 में देखोगे तो एक दिन भी दिन लॉस नहीं है कोई भी मंथ में, ये मंथ वाइज है, तो टोटल प्रॉफिट 73,000 है। 2018 में भी कोई भी मंथ में लॉस नहीं है, 85,000। 2019 में भी कोई भी मंथ में लॉस नहीं है। 2020 में भी कोई भी मंथ में लॉस नहीं है। 2021 में लॉसेस है, क्यों? क्योंकि ये मंथ ही खराब थे ना, मैं वही बता रहा हूँ कि वोलाटिलिटी इतना है, और मेरा बैड लगे कि मैंने ये वोलाटिलिटी में अलगो स्टार्ट किया, बट ठीक है, स्टिल आई एम सर्वाइव। जो मेरे क्लाइंट्स मेरे साथ है वो मेरे साथ है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मार्च में 20,000 प्रॉफिट था, अब ये अप्रैल में जून में, अप्रैल और जून मेरे का, अप्रैल में जनरली 14,000 प्रॉफिट था, मई में भी हम लोग प्रॉफिट में ही है, मई का मैं एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ ये कितना लॉस है। लॉस देखो कितना है, -1,200, और फिर प्रॉफिट फेब में कितना था? 70 रुपीज, मतलब ज्यादा लॉस नहीं है। और मार्च में कितना है? 20,547 प्रॉफिट था। एग्जैक्टली दीज आर द एक्चुअल प्रॉफिट कि आप अल्गो की तरफ से मॉर्निंग से आफ्टरनून तक रखते हो, मॉर्निंग 9:20 को स्ट्रैडल स्टार्ट होगा, 3:10 को खत्म होगा, दैट इज कॉल्ड एज, दिस इज बैंक निफ्टी बटरफ्लाई। ओके, सेम स्ट्रैटेजी निफ्टी बटरफ्लाई में भी होता है, सेम स्ट्रैटेजी, वो निफ्टी बटरफ्लाई का भी मैं बताता हूँ आपको, दैट इज निफ्टी निफ्टी का स्ट्रैडल, बटरफ्लाई नहीं स्ट्रैडल, मतलब एट अ टाइम एटीएम पुट एंड कॉल मेरा शॉर्ट होगा 9:20 को, स्टॉप लॉस मेरा 30% है, वोलेटिलिटी के टाइम वो 35% में करता हूँ। तो यहाँ पे कितना हुआ है देखो, टिल डेट 2020 से, मतलब ये लास्ट 1 ईयर का रिकॉर्ड मैंने दिया है, जैन 1 से 31 दिसंबर तक का, इस टाइम का मैंने, आपका कितना हुआ है ओवरऑल प्रॉफिट? 1,75,000। ये मैंने लवाना किया था ना, मैंने लास्ट टाइम बोला कि आप 1 साल रुको आपका कैपिटल डबल होगा, मतलब जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना आपको मिलेगा, मतलब 100% रिटर्न गारंटी है भाई, कौन देता है? स्टॉक मार्केट दे सकता है, मतलब म्यूचुअल फंड वाले नहीं दे सकते, मतलब आपको कुछ नहीं करना है बस, दैट्स इट। इसमें से आपने ब्रोकरेज मेरे चार्जेस भी निकाल दिए ना, तो भी स्टिल यू आर इन प्रॉफिट ऑफ 70-80%। इज दैट क्लियर?
यहाँ पे भी देखो मैक्सिमम लॉस कितना है, 6,000 है, मैक्सिमम प्रॉफिट 11,000 है जो मैंने वहां पे लिखा है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना हुआ 18, मतलब आपने जो 1.5 लाख इन्वेस्ट किया मैक्सिमम 1.3 तक कैपिटल गया, उसके नीचे कभी आया नहीं, दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम ड्रॉडाउन। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चलेगा मंथ वाइज, जैन में 6,000 का प्रॉफिट, फेब में 6,000 का, तो ऑन एन एवरेज आप देखो कितना प्रॉफिट है। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट था 58,000, कितना 58,000, क्योंकि कुछ तो न्यूज वगैरह रहेगा एट दैट टाइम जून में 20। कभी कभी ऐसे मंथ भी आएंगे ना, कभी कभी ऐसे मंथ भी आएंगे, देखो कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स लॉसेस, बट यहाँ पे 11,000 का लॉस और यहाँ पे 3,700 का लॉस। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई क्लाइंट अगर यहाँ पे अटैच हो और उसको पहले ही मंथ लो, अरे क्या ये लॉस स्ट्रेटेजी। मेरे पास भी ऐसे क्लाइंट है कि भाई लास्ट मंथ आया, लास्ट मंथ लॉस था, माइन्यूट लॉस, ठीक है, बट स्टिल दे आर वंडरिंग नहीं ये स्ट्रेटेजी बोले। मैं वही बोलता कि यू मे बी जो स्ट्रेटेजी आप सिलेक्ट कर रहे हो ना उसको टिल 1 ईयर तक कंटिन्यू करो, एंड ट्रस्ट मी जो आपने इन्वेस्ट किया है ना एटलीस्ट वो तो सेफ रहेगा ही, उसका डबल ऑलमोस्ट 70-80 कभी कभी 100% प्लस भी आपको मिलेगा अगर ऐसे टाइप के मंथ है, क्योंकि ये ईयर एंड मंथ परफॉर्मेंस है ना, एक मंथ में आपको ड्रास्टिकली चेंज नहीं दिखेगा। दैट इज ये मेरा जो था ये बैंक निफ्टी गोल्डन स्ट्रैटेजी था और ये था निफ्टी गोल्डन स्ट्रैटेजी। तो दोनों के स्ट्रैटेजी सेम है कि यहाँ पे 1.5 लाख रुपीज लगेंगे, मॉर्निंग 9:20 को आपको एग्जीक्यूशन होता है, एट मॉर्निंग 9:20 एग्जीक्यूशन एटीएम एंड कॉल एटीएम पुट शॉर्ट होता है विद द 30% स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इज द की इन द स्टॉक मार्केट, आप मैनुअली नहीं पंच कर सकते, मैनुअली पंच किया तो कभी कभी अगर वो जंप कर गया तो वो अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो तो आप और आप ऑफिस में भेजे तो प्रॉब्लम नहीं, बट मेरे यहाँ पे वो 2 सेकंड के अंदर वो स्क्वेयर अप हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कुछ नहीं देखना होता और एवरीडे मैं मेंशन करता हूँ, आपने मेरे स्क्रीनशॉट देखे रहेंगे, अपना एक ब्रॉडकास्ट का अलग से ग्रुप बनता है तो एवरीडे आई एम मैसेजिंग कि अब क्या होगा, अब कितना प्रॉफिट है, अब क्या है, वो सब मैं बताता हूँ। दिस इज कॉल्ड एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी गोल्डन स्ट्रैटेजी, व्हाट इज कॉल्ड एज गोल्डन स्ट्रैटेजी, ओके। एंड उसके विनिंग रेशियो मैंने बताया कि 70% है और प्रॉफिट भी काफी अच्छा मिलता है उसमें अगर आप 1 साल तक बने रहो तो, मतलब लास्ट 5 साल में कोई भी ईयर में उसने लॉसेस नहीं दिए है। ठीक है, अभी जो बताना है दैट इज बैंक निफ्टी फ्यूचर स्ट्रैटेजी, फ्यूचर ट्रेडिंग। अभी मैंने स्ट्रैडल बताया आपको 9:20 का, नाउ आई एम डीलिंग विद द फ्यूचर ट्रेडिंग, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की जहां पे हाई गेन हाई रिटर्न है, ठीक है, और रिस्क भी उतना ही है, मतलब जिनके पास अच्छा कैपिटल है कि भाई जो कैपिटल से डरते नहीं है, 2.5 लाख का कैपिटल है, मतलब ऐसा समझो कि 2.5 लाख जीरो हो गए, होते नहीं, जीरो हो गए तो भी आपको नींद अच्छे से आनी चाहिए, यू शुड बी स्लीप एट द नाइट, वो वरी नहीं, अरे मैंने 2.5 लाख बनाया वो क्या होगा, वो क्या होगा। इफ यू आर दैट टाइप ऑफ ट्रेडर तो फिर मत आओ बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में, क्योंकि आपको हाई लॉसेस और हाई गेन वो दोनों डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी इसमें होनी चाहिए। इसमें मैक्सिमम लॉस इंट्राडे में जनरली हम लोग 15,000 तक लेते हैं, अगर इंट्राडे में कई कई बार गैप डाउन हो तो मैं कुछ नहीं कर, जैसे लास्ट टाइम हुआ था एक बार गैप डाउन होकर हम लोग का 30,000 का लॉस हो गया था डायरेक्टली, मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि सडन ग्लोबल में कुछ तो न्यूज आ रहा, हम लोग पोजिशनल, क्योंकि ये जो है वो पोजिशनल ट्रेडिंग है। जो स्ट्रैडल हम लोग ने देखा 9:20 स्ट्रैडल इज ओनली अ इंट्राडे, हम लोग 9:20 को पंच करते 3:10 को आउट, ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ होता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। सेम हियर पोजिशनल ट्रेडिंग, टाइम फ्रेम 5 मिनट्स का है, ये टाइम फ्रेम 5 मिनट्स मतलब क्या वो मैं बता देता हूं, दिस इज 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, ये मेरे सॉफ्टवेयर सिग्नल के साथ अटैच है। जैसे कल का ही मैं अगर एग्जांपल दूं, तो कल के एग्जांपल में यहां पे मेरे सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली लॉन्ग कर दिया, कल हम लोग ना यहाँ पे शॉर्ट थे, कल हमने एक्चुअली शॉर्ट किया था और एंड के डे में हम लोग 2000 प्रॉफिट में थे, पोजिशनल होल्ड था, आज डायरेक्टली गैप अप ओपन हुआ, गैप अप हुआ तो डायरेक्टली हम लोग का 7000 लॉस दिखा रहा था मेरे अकाउंट में, तो सबका वही रहेगा एंड स्टिल वी आर होल्डिंग। यहाँ पे बहुत जन बोल रहे थे मैसेज, सर मैं निकल जाओ, मतलब कि नहीं होल्ड रखो क्योंकि बहुत बड़ा रैली एक्सपेक्टेड है। फ्यूचर्स में क्या करते हैं हम लोगों ने, मैंने दोनों ऑप्शन रखे, मैनुअली भी और अलगो के लिए भी, मतलब मैनुअली भी एग्जिट कर सकते हो और अलगो के साथ, तो ये प्रॉफिट अभी तक बना हुआ है, स्टिल हम लोगों ने 23,000 का रैली लिया हुआ है। इज इट पॉसिबल ड्यूरिंग द एज ए इंट्राडे ट्रेडर, हम लोग हमारे अकाउंट में इतना बड़ा एक लॉट में प्रॉफिट कभी लिया हुआ है, लक बाय चांस कभी मिला है, बट एवरी टाइम वेरी डिफिकल्ट, वो अल्गो के साथ पॉसिबल है, ट्रस्ट मी, क्योंकि लास्ट मंथ हम लोगों ने सिर्फ अल्गो के ऊपर रखा था। अभी मैं स्टोरी बताता हूँ, अभी सुनो, इसमें हाई रिस्क है,
लास्ट टाइम उन्होंने सिंपल लास्ट टाइम अगर लॉसेस इज 55,000, किसी किसी का 65,000 भी हुआ था जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था या मैन्युअली बुक किया था, 55,000 एक्चुअल लॉस लास्ट मंथ. बट वॉट अबाउट लास्ट मंथ मीन्स वॉट, ये मे चल रहा है अप्रैल का 55,000 लॉस था. वॉट अबाउट मार्च, मार्च में उन्होंने 67,000 प्रॉफिट बुक किया था. वॉट अबाउट फेब, मैंने 45,000 प्रॉफिट बुक किया था मेरे खुद के अकाउंट में. तो ये प्रॉफिट एंड लॉस चलते रहता है. बट लास्ट टाइम हम लोग का गलती क्या, वो मार्केट इज टू मच उलटे और मैंने ब्लाइंडली अलगों के पास छोड़ दिया था. फिर वो प्रॉफिट भी था 20-25 हज़ार जो मुझे दिखाए थे प्रॉफिट, और बाद में वो लॉस में कन्वर्ट हो गए थे. दैट्स व्हाई फिर ये मंथ में हमने डिसाइड किया कि मैं मैन्युअली प्लस अल्गो दोनों रखूंगा. एंड लकीली वी आर इन प्रॉफिट ऑफ राइट नाउ 65,000 के प्रॉफिट में. अभी भी एक वीक पेंडिंग है, तो माइट भी मंडे को गैप अप हो गया तो और 10-15 हज़ार, तो 70-75 लास्ट मंथ का लॉस मेरा रिकवर ना. तो लास्ट मंथ जो मेरे पास बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में ऐड थे और जो बिकॉज ऑफ लॉसेस चले गए, ये तो लॉस मेकिंग है, 2.5 लाख बचा था, 2 लाख बचा, 50 लाख का लॉस चुना लग गया, वो लोग ने ये लॉस मिस किया ना. मैंने कहा कंसिस्टेंसी, आप जो मंथ में जो वो मंथ में लॉस हो सकता है, बट इट्स अ मंथ ऑफ कंसिस्टेंसी. अगर आप कंसिस्टेंटली अटैच रहते हो देन ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं. मतलब क्या, ये शॉर्ट है तो ये शॉर्ट देगा, ये लॉन्ग है, लॉन्ग और शॉर्ट चलते रहता है, बस वो ऐसा करता है. इस दिन भी हम लोगों ने बड़े प्रॉफिट लिए, क्यों, क्योंकि इस मंथ में बड़े रैली मिले ना, यहाँ पर भी हम लोगों ने एक बड़ा प्रॉफिट लिया इसी दिन. ये लॉन्ग था और बहुत बड़ा प्रॉफिट, मतलब 18,000 यहाँ पे लिया था, कई कई जन ने 27,000 तक बुक किए थे इसमें, सेम जैसे अभी किया वैसे. दो बड़े रैलीज मिले तो मुझे क्या चाहिए, मंथ में सिर्फ 2-3 बड़े रैली चाहिए, बस दैट्स इट, मेरा बैंक निफ्टी का काम खत्म हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज बैंक निफ्टी फ्यूचर. सेम एज निफ्टी फ्यूचर्स भी हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है. बैंक निफ्टी अल्गो के मंथली चार्जेस 3,000 है, ठीक है. अगेन आई एम नॉट द सेबी रजिस्टर, तो आपके प्रॉफिट एंड लॉसेस में मेरी जिम्मेदारी, मैं जस्ट मेरा मेंटेनेंस चार्जेस ले रहा हूँ, आपके ऊपर है आप कैसे करते हो, ठीक है. बट फ्यूचर्स के लिए मैं बोलता हूँ कि यू शुड बी एक्टिव, एटलीस्ट आप व्हाट्सएप पे एक्टिव होने चाहिए. नहीं रहेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अल्गो अपना काम ऑटोमेटिकली करते रहता है, ठीक है. Is it per day profit? Not. It is not a per day profit. ना जब भी सिग्नल देगा तभी. If मेरे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे सिग्नल दिया लॉन्ग, तो मेरे सबके अकाउंट में लॉन्ग का सिग्नल बाय होगा. फिर इन एग्जिट कभी होगा, जब तक शॉर्ट एग्जिट नहीं आता तब तक. इसमें स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस नहीं होता. लॉन्ग और शॉर्ट किसे, अगर मेरा किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया है, यहाँ पे देखो ये लॉस में गया रहेगा कॉस्ट टू कॉस्ट, मतलब शॉर्ट यहाँ पे किया है तो लॉन्ग यहाँ पे होगा. तो मैंने ये मैन्युअली ये सिग्नल लिया ही नहीं था एक्चुअली, मैंने लिया ही नहीं क्योंकि मुझे पता था ये साइडवेज जा रहा है. फिर ये लॉन्ग दे, ये भी सिग्नल नहीं लिया था, डायरेक्टली हम लोगों ने ये शॉर्ट का सिग्नल लिया था. तो मुझे लगा अभी ये मार्केट गिरेगा, बट गिरा नहीं बाद में ऊपर. बट ठीक है, 2,000 का लॉस हम लोग का प्रॉफिट में आ गया ना बाद में, लाइक दैट. मतलब ये कंप्यूटर करता है, ये पोजिशनल ट्रेडिंग है, नॉट द इंट्राडे. एंड इट्स अ मंथली परफॉर्मेंस ऑन एन एवरेज मंथली. इसका मैं एवरेज परफॉर्मेंस आपको बता सकता हूँ, मैं आपको पोस्ट करता हूँ चाहिए तो टेलीग्राम पे. इसका ईयर ऑन ईयर आप पूरा एक साल ये स्ट्रैटेजी का, तो पर मंथ आपका 50,000 प्रॉफिट कहां पर भी नहीं है पर मंथ. तो 12 मंथ्स है, 12 × 5 = 6, मतलब विद द कैपिटल ऑफ 2.5 लाख आप ईयरली इसमें जनरली 5-6 लाख प्रॉफिट कहां पर भी नहीं गया, तो 4 लाख 5 लाख तो इजीली, मतलब कैपिटल डबल आपका इजीली हो जाता है. यहां पे एक्चुअल कैपिटल 2 लाख ही लगता है, बट एक्सेस कैपिटल हम लोग रखते हैं क्योंकि वोलाटाइल मार्केट है, लॉसेस हुए तो बार बार आप कहाँ पे डिपॉजिट करोगे, और ड्यू टू द सेबी नॉर्म्स मार्जिन इंक्रीज होते रहता है एवरी टाइम डिपेंडिंग ऑन द वोलाटिलिटी. इसके लिए 2.5 लाख सेफर साइड रखा है. व्हाट अबाउट द निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर्स अब भी लॉन्च किया है दिस मंथ, मेरे अकाउंट में ही चल रहा है और मेरे साथ और 10 अकाउंट्स है जिन्होंने मेरे साथ फर्स्ट मंथ से जुड़े हैं. अभी जून सीरीज में सबके लिए ओपन करूंगा मैं, फिर पहले मैं मेरे अकाउंट में चेक करता हूँ. जून सीरीज में, मई सीरीज में अब तक निफ्टी फ्यूचर ने मुझे 43,000 का प्रॉफिट दिया. हाउ मच, 43,000, कैन यू इमेजिन विद द कैपिटल ऑफ 2.5. या इट्स पॉसिबल. यहाँ पे क्या किया मैंने, हायर टाइम फ्रेम रखा है, थोड़ा सेफ है निफ्टी, 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखा है. तो व्हाट इज द 15 मिनट टाइम फ्रेम निफ्टी का, इस मंथ का मैं परफॉर्मेंस आपको बताता हूँ. ये 5 मिनट्स है तो मैं इसको 15 मिनट्स करता हूँ. मई मंथ से दिस इज द मई मंथ, बट एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ था एक्सपायरी टू एक्सपायरी, मतलब ये एक्सपायरी का सिग्नल जो है यहां से, ये एक्सपायरी तो मिस हो गई थी, ये बड़ा लॉन्ग जो था ये मिस हो गया था, फिर यहां से स्टार्ट हुआ था ये शॉर्टिंग.
तो ये शॉर्ट हुआ था यहाँ पे 30th of April, क्योंकि ये मई मंथ का एक्सपायरी स्टार्ट हो जाएगा, जैसे जून मंथ का एक्सपायरी 28 को ही स्टार्ट हो जाएगा अलगो, जो न्यू कमर्स आने आएंगे। तो यहाँ पे ये सिग्नल चालू हो गया था, यहाँ पे इसने शॉर्ट किया और फिर यहाँ पे जाके इसने लॉन्ग किया। देखो ये इतना प्रॉफिट मिस हो गया, ठीक है, बट अलगो के पास रखा है ना मैंने, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं मैन्युअली भी बुक कर सकता हूँ, अगर आपको यहाँ पे दिखा मैंने शॉर्ट किया है 14,800 पे और मुझे दिखा 14,400 चल रहा है, 400 पॉइंट मिल रहा है, मैं बुक कर लूंगा। मैंने शायद यहाँ पे ही बुक किया था, ये हैमर के बाद मुझे यहाँ पे दिखा, तो मैंने फिर ये लॉन्ग का वेट ही नहीं किया। यू कैन बुक मैन्युअली ऑल्सो, तो अगर लेटर से आपने शॉर्ट किया, आपने मैन्युअली बुक किया, तो फिर अलगो ये लॉन्ग, हाँ तो फिर अलगो ये जब भी लॉन्ग रहेगा तभी लॉन्ग करेगा। अभी यहाँ पे देखो ना, ये लॉन्ग था फिर ये शॉर्ट हो गया, तो यहाँ पे तो लॉसेस हो गए ना, फिर ये शॉर्ट था फिर ये लॉन्ग हो गया यहाँ पे, मतलब ये कंसेक्यूटिव दो लॉसेस हो गए यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 to 5,000 का लॉस हुआ रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो लॉन्ग हुआ दिख रहा है, यहाँ पे लॉन्ग कितने पे हुआ, 14,650 पे, वो शॉर्ट यहाँ पे हुआ 14,950, मतलब 300 पॉइंट का प्रॉफिट, 21,000 का प्रॉफिट, मतलब जो 5,000 का प्रॉफिट लॉस था वो इसमें कवर हो गया। फिर ये जो शॉर्ट था यहाँ पे दिख रहा है, गैप डाउन हुआ यहाँ पे शॉर्ट हुआ, फिर वेट करना ना, फिर ये लॉन्ग कभी यहाँ पे हुआ, इज दैट क्लियर, मतलब ज्यादा नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट ही मिला रहेगा, इतना बड़ा रैली मिस हुआ, बट यू कैन बुक द मैन्युअली ऑल्सो। बट सबसे ज्यादा प्रॉफिट मुझे कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, ये 28,000 का, तो पूरा मिला के कुछ 43-44,000 का प्रॉफिट मैंने बुक किया यहाँ पे, ये रैली मैंने यहाँ तक, इसको मैंने यहाँ पे एग्जिट किया था मैन्युअली यहाँ पे ये रैली, और फिर कल उसने शॉर्ट किया और उसने यहाँ पे लॉन्ग किया, तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकला और अभी ये प्रॉफिट में चल रहा है, कुछ 8 या 10,000 के प्रॉफिट में चल रहा है। सो दैट दैट लाइक अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, कि यहाँ पे 15 मिनट बड़ा टाइम फ्रेम मैंने यूज किया। ये दोनों सिग्नल जब भी ग्रीन रहेगा तभी वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में बाय कर लेता है या सेल, तो आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती। यू कैन बुक अ मैनुअल, मतलब यहाँ पे बहुत जन ने मुझे प्रॉफिट मिला, निफ्टी में नहीं किया क्योंकि निफ्टी में हार्डली 10 लोग है, तो मैंने उनको बोल के रखा जब भी मेरा मैसेज आएगा तभी बुक करो, तो यहाँ पे सब लोग ने बुक किया मेरे साथ, 27,000 कुछ बुक किया ऑलमोस्ट, क्योंकि ट्रिपल टॉप बना लिया था उसने 1, 2 और 3, और फिर इसके लिए फिर हम लोगों ने यहाँ पे बुक कर लिया। तो इन स्ट्रैडल ऑल्सो मैनुअल इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है, बट मैं नहीं अलाउ करता, मैं बोलता हूँ कि मत करो स्ट्रैडल में, बटरफ्लाई में मैनुअली मत करो, जितना अल्गो थ्रू जाएगा उतना आप, जैसे कल का रैली था बहुत जन ने स्ट्रैडल में जल्दी बुक कर लिया, बट एट द एंड बहुत बड़ा प्रॉफिट था, जल्दी मतलब ज्यादा नहीं, 100 क्लाइंट में से कुछ 4-5 क्लाइंट ने जल्दी बुक किया जो हमेशा डरते रहते, फिर उन्होंने अल्गो क्यों लिया मुझे नहीं पता। इफ यू आपने एडो अल्गो क्यों लिया, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपको इमोशनल ट्रेडिंग किया, आपने किसी को भरोसे मेरे मुझे चार्ज क्यों दिया, आपको ही पूरा देखना, एक जन है पूरे टाइम दिखते हैं सर अभी 2,000 का प्रॉफिट है सर अभी 1,000, ऐसा मैसेज मुझे भी मत भेजो, मैं उनको स्ट्रिक्टली वार्निंग देता कि आप भी मत देखो मुझे भी मत भेजो, क्योंकि मैं नहीं देखता अल्गो, मैं सिर्फ बड़े कभी प्रॉफिट है तो तभी देखता हूँ। डू यू ट्रेल स्टॉप लॉस इन, नहीं बैंक निफ्टी फ्यूचर में स्टॉप लॉस नहीं ट्रेल होता, ठीक है, जितना प्रॉफिट है उतना चलता रहता है, आप बुक कर सकते हो, फिर आप मैन्युअली स्टॉप लॉस लगा सकते हो उसमें आपको चाहिए तो, बट अल्गो में स्टॉप लॉस का सिस्टम नहीं है। मतलब अगर मेरा प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है तो मंडे को अगर मैं गैप अप हो गया, मैं अभी बताऊँ, मंडे को अगर गैप अप हो गया देन अभी मेरे जितने भी कुछ 45 या 50 अकाउंट चल रहे हैं जिसमें बैंक निफ्टी फ्यूचर चल रहा है सब में प्रॉफिट बुक हो जाएगा 35,000, मैं मैन्युअली बुक कर लूंगा, वैसे मेरे पास फाइल है उसको एक क्लिक किया तो वो मैन्युअली बुक हो जाता है, क्योंकि सब जन ने अभी भी होल्ड रखा है। So that is called as Nifty and Bank Nifty Futures. Still my explanation is pending. I will first explain all the strategies. Then you can, आप मुझे पूछ सकते हो। अभी due to the volatile market, I developed one of the new strategy that is Platinum strategy. ठीक है? This is also one type of straddle. बट ये स्ट्रैडल में डिफरेंस क्या है और प्रीवियस स्ट्रैडल में डिफरेंस क्या है? प्रीवियस जो स्ट्रैडल था इसमें भी कैपिटल सेम है 1.5 लाख, ये स्ट्रैडल मींस एक एटीएम और एक ओटीएम दोनों भी शॉर्ट होते हैं, एटीएम एक कॉल और पुट शॉर्ट होता है। टाइम फ्रेम क्या है, टाइम फ्रेम में मैंने चेंज किया, देखो मैंने 100+ स्ट्रैटेजी टेस्ट किया उसके बाद में जाके जो फुलफिल होता है ना वो, इसका टाइम फ्रेम 11:45 है, बट इसका एक्यूरेसी मोर एंड लेस वोलेटाइल मार्केट में काफी अच्छा है। अभी डेली क्या होता है, गैप अप होता है, बाद में नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, तो ऐसे सिनेरियो में फिर ये सब मॉर्निंग में होता है ना, तो फिर मॉर्निंग में 9:20 में स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो फिर ये 11:45 थोड़ा सेफ गेम हो जाता है, क्योंकि 10:11:45 तक पूरा मार्केट स्टेबल हो जाता है, बाकी सिनेरियो सेम है, सेम एज निफ्टी प्लैटिनम भी सेम सेम रहेगा, 11:45 को होगा। उनका रिकॉर्ड मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये 11:45 का है, 11:45 का ये रिकॉर्ड है, ये सब मैं आपको भेजूंगा, ठीक है, कहां से, जनवरी 1 से कितना प्रॉफिट है ओवरऑल, मतलब लास्ट 1 ईयर से 1.5 ईयर्स में
अगर आपने 1.5 लाख पे किया रहता तो आपका 2.5 लाख हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। और यहाँ पे मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना है, 13,000। मतलब आपने 1.5 कैपिटल पे किया तो आपका कभी भी 15,000 के नीचे गया नहीं, जहाँ पे वहां पे मैक्सिमम ड्रॉडाउन 30,000 का था, क्योंकि बड़े स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है ड्यूरिंग द वोलेटिलिटी, तो वोलेटिलिटी से बचने के लिए। तो इतने सालों में कितनी बार रेड में है ये देखो, आपको पता चलेगा कितनी बार। यहाँ पे पूरा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखो पता चलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 मंथ ये रेड में था। सबसे बड़ा रेड किस में से था, ये दोनों में था, ये मंथ और ये मंथ। बाकी ये छोटे छोटे ट्रेड ठीक है, ये ज्यादा नहीं है, 2-3 हजार के लॉस रहेंगे। क्यों ये स्ट्रेटेजी, क्योंकि बहुत जन के पास अभी भी पैसा है, कि कई कई मेरे क्लाइंट 10 लाख बैठे बैठे हुए, तो 920 के इसके दो लॉट करने से 1140 का एक लॉट भी कर सकते, 920 में कभी लॉस हो तो 1140 में प्रॉफिट हो जाएगा। बट सबसे बेस्ट तो 920 है, कि जहाँ पे बड़ा प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पे कैसे मार्केट सेटल हो जाता है, प्रीमियम ऑलरेडी इरोजन हो जाता है, बट वोलेटिलिटी कम हो जाती है 1145 तक। इसके लिए फिर ये 1145 का स्ट्रेटेजी है, बाकी सेम है, रिटर्न्स वगैरह ऑलमोस्ट सेम है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है रिटर्न्स में, ठीक है। ये था प्लैटिनम, सेम एज निफ्टी प्लैटिनम भी था, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, दैट इज कैश सेगमेंट। कैश में भी हम लोगों ने किया हुआ है, अगेन इसके क्या है बैक टेस्टिंग के रिपोर्ट, तो लास्ट 2 मंथ से कॉस्ट टू कॉस्ट है। एक मंथ निगलिजिबल 1,000 के लॉस में था, लास्ट मंथ कॉस्ट टू कॉस्ट था 2,000 या 2,500 प्रॉफिट में था, बट मेरे चार्जेस और वो पकड़ के तो ये लॉस में ही पकड़ सकते हैं हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि मार्केट ही वोलाटाइल ना। बट जब ये मार्केट स्टेबल होता है तो ये स्ट्रैटेजी ने भी एक साल में आपका कैपिटल डबल कर दिया। मतलब इसमें ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी क्या स्ट्रैटेजी वो भी मैं बताऊँ, देखो मैंने कुछ छुपाया नहीं है, जो है आप भी खुद कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे रिलायंस एंड बजाज फाइनेंस का है, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर 60,000 है। यहाँ पे 945 के ब्रेकआउट के कैंगल पे हम लोग एंट्री लेते हैं, मैक्सिमम लॉस 6,000 है, मैक्सिमम प्रॉफिट 3,000 to 6,000 है, और अल्गो के मंथली चार्जेस 2,000 है। यू कैन इंक्रीज योर कैपिटल, अगर आपने आपका कैपिटल यहाँ पे 2 लाख कर दिया तो फिर ये चार्जेस नील कर दूंगा मैं, फिर वो एब्सोल्युटली फ्री हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर 2 लाख के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो बजाज फाइनेंस एंड रिलायंस, देन इसके मंथली चार्जेस 0 है, अबाउट 2 लाख ओनली, ठीक है। बिलो 2 लाख अगर कर रहे हो तो आपको मंथली चार्जेस 2,000 देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे क्या है स्ट्रैटेजी क्या है वो मैं बताता हूँ, बजाज फाइनेंस में एक्सप्लेन करता हूँ। और ऐसे स्ट्रैटेजी मेरे चल रहे अभी भी, क्या कर रहा हूँ मैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ले रहा हूँ, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेरा टारगेट सेट करने का चल रहा है अभी, जितना स्टॉप लॉस है एटलीस्ट उतना टारगेट मिला तो वो बुक कर ले। ये सेकेंड कैंडल जो भी कुछ है 15 मिनट्स का, ये 15 मिनट्स का सेकेंड कैंडल है, ये 15 मिनट्स के सेकेंड कैंडल में यहाँ पे वो बाय का एंट्री लेगा और यहाँ पे वो सेल का एंट्री लेगा। जैसे लो ब्रेक होगा मेरा सेल का एंट्री आएगा, जैसे ये बाय हाई जाएगा मेरा बाय का एंट्री आ जाएगा। स्टॉप लॉस क्या, अगर ये बाय यहाँ पे हो रहा है तो स्टॉप लॉस मेरा ये होगा, अगर मेरा सेल यहाँ पे हो रहा है तो मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा। बस यही सिंपल स्ट्रैटेजी, बट ये भी वर्क करता है मार्केट में, इससे भी पैसे बनते हैं ट्रस्ट मी। मतलब ये कल ब्रेकआउट किया तो देखो ना 1:2 दे दिया था यहाँ पे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मेरा अभी इसमें एटलीस्ट 1:2 का चल रहा है, कि जितना मेरा स्टॉप लॉस है एटलीस्ट इतना इंप्रूवमेंट मैं करना चाहता हूँ, मे बी नेक्स्ट मंथ तक वो आ जाए। अगर वो आ गया तो फिर मेरा 1:2 में बुक हो जाएगा आइदर साइड, मतलब बाय अगर हो गया तो 1:2, फिर वो सेल का एंट्री नहीं लेगा। अगर सेल आ गया, सेल में 1:2 आ गया तो फिर, बट बाय का अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ही वो सेल में एंट्री लेगा। ऐसा मेरा प्रोग्राम में चेंजेस करने का चल रहा है, वो माइट बी नेक्स्ट मंथ तक हो जाएगा। सो दिस इज माय बजाज फाइनेंस एंड रिलायंस का ये। तो यू कैन पुट द मैक्सिमम अमाउंट ऑल्सो, यू कैन पुट 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख ऑल्सो, ऐसे भी क्लाइंट्स हैं मेरे पास। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द सिक्स मिनिमम अमाउंट ही 60, तो 60 में से 20,000, 25,000 रिलायंस में होता है, 25,000 बजाज फाइनेंस में होता है, हाफ ऑफ क्वांटिटी में करता हूँ। अगर आपने 2 लाख दिया तो 1 लाख रिलायंस में होगा, 1 लाख या 60 के इंक्लूडिंग बोथ इन 60,000 बोथ रिलायंस एंड बजाज, तो हाफ ऑफ अमाउंट होता है, 25,000 रिलायंस में होता है, 25,000 बजाज में, और 10,000 हम लोग सरप्लस एक्सेसिव रखते हैं कि अमाउंट आपका ट्रिगर मतलब फेल ना हो जाए, ट्रिगर प्राइस जो भी कुछ है। सो दीज आर द, अभी इसमें क्वेश्चंस क्या है, फर्स्ट अकाउंट मस्ट बी इन द अलाइज ब्लू, अलाइज ब्लू में अकाउंट होना जरूरी है, वो भी अंडर माय लिंक, फर्स्ट थिंग।
If you already have the Allies broker, then you can open the another account on any family members, आपके फैमिली मेंबर्स वाइफ है डैडी है मम्मी के नाम पे अकाउंट ओपन करके वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो. दैट इज द सेकेंड थिंग. थर्ड थिंग, अकाउंट आपका होता है, आप आपके पैसे वहां पे डिपॉजिट करते हो. तो मेरा रोल, मैं आपके पैसे निकाल नहीं सकता किसी भी हालत. फर्स्ट थिंग, मैंने अगर विड्रॉ का रिक्वेस्ट भेजा तो वो आपके अकाउंट में जमा होता है. बहुत जन को डाउट होता है, सर आप पैसे लेके भाग गए, अरे भाई यहाँ पे मैं पीएमएस सर्विस नहीं चला रहा हूँ, दिस इज नॉट अ पीएमएस, सिंस आई एम नॉट द सेबी रजिस्टर तो मैं पीएमएस सर्विस रन नहीं कर सकता, दिस इज नॉट अ पीएमएस सर्विस ना. या आपके पीएमएस में क्या होता है, आप आपका पैसा मुझे देते हो, मैं मेरे अकाउंट में या बल्क अकाउंट लेके फिर हम लोग मैं तो वैसे नहीं कर रहा, आपका ही पैसा है आपके अकाउंट में, आपका कंफर्मेशन है, इसके लिए आपने एपीआई की मुझे प्रोवाइड किया, इसके लिए मेरा अलगो आपके पास चल रहा है, वो नॉर्म्स टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने दिए हुए ऑलरेडी ये वेबिनार स्टार्ट होने से पहले. तो आपका पैसा आपके पास ही रहता है, तो वो मैं विड्रॉ वगैरह नहीं कर सकता. दैट इज द सेकंड थिंग. थर्ड, प्रॉफिट, प्रॉफिट आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप मंथ के एंड में ही करो. लेट अस से आज प्रॉफिट ऑफ 10,000 आपने विड्रॉ किया और कल लॉस हो गया 12,000, तो 2,000 का शॉर्टफॉल होगा, उसका क्या होगा. तो बेटर वे यू कैन विड्रॉ योर प्रॉफिट ऑन द मंथ एंड के बाद. और मैं बोलता कि कंसिस्टेंसी रखो 6 मंथ तक, पैसे भी तो विड्रॉ करो बट आपका कैपिटल 6 मंथ तक रखो, वो 6 मंथ टू 1 ईयर डेफिनेटली वो डबल हो जाता है जनरली, जो मेरा पास्ट हिस्ट्री बोल. बट दिस इज अ मार्केट, टर्म्स एंड कंडीशन इंपॉर्टेंट है ड्यू टू द वोलेटाइल फैक्टर अदर फैक्टर की. सिंस आई एम नॉट द रिस्पॉन्सिबल ऑन योर प्रॉफिट एंड लॉसेस, मैं कभी मांग भी नहीं रहा. जिस दिन बैंक निफ्टी फ्यूचर में जब 77,000 का प्रॉफिट दिया, मैंने कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगे. वैसे जब भी लॉस होता तभी मैंने मेरे जेब से कुछ पैसे नहीं दिए. वैसे ही सेम एंड लॉजिक, आप प्रॉफिट में भी आपका ही पैसा है, लॉस में भी आपका ही पैसा है, लाइक दैट वे. सो दीज आर द एंटायर स्टोरी अबाउट द अल्गो ट्रेडिंग. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो. वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चन की सर आई सिलेक्ट द बैंक निफ्टी फ्यूचर और शैडल करूं. फर्स्ट थिंग, इफ यू आर अ सेफ ट्रेडर, इफ यू वांट टू अ सेफ ट्रेडर, आपका कैपिटल सेफ, तो यू सिलेक्ट द शैडल, बेस्ट वे. 1.5 में बहुत रेयरली कभी हुआ था लॉसेस, अदरवाइज लास्ट पास्ट 5 ईयर्स में लॉसेस नहीं दिए उसने. सेकेंड, स्टिल इफ यू वॉन्ट द एग्रेसिव प्रॉफिट, बट बैंक निफ्टी शैडल में एग्रेसिव प्रॉफिट नहीं होता. इफ यू वॉन्ट एग्रेसिव प्रॉफिट देन सिलेक्ट द बैंक निफ्टी फ्यूचर, बट एट दैट टाइम आपका पास कैपिटल बैकअप होना जरूरी है, क्योंकि बैंक निफ्टी फ्यूचर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इंट्राडे में तो मैं रिस्क मैनेज कर रहा हूँ, बट लेटर से मैंने पोजिशन लॉन्ग रखा है और मंडे को लेटर से 2,000 पॉइंट गैप डाउन हो, मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता. स्टिल आई मीन प्रॉफिट ऑफ 25,000, बट मैं कुछ नहीं कर सकता ना, ग्लोबल न्यूज अगर है तो, इतना वोलेटाइल मार्केट है, तो अगर वो गैप डाउन हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूंगा, पोजीशन एग्जिट कर सकता हूं मैक्स टू मैक्स, दैट्स इट. सो इफ यू वांट अ सेफ ट्रेडर, उससे भी सेफ चाहिए तो फिर निफ्टी, बट आपको एग्रेसिव अमाउंट भी चाहिए, प्रॉफिट दिखना चाहिए, क्योंकि स्ट्रैडल में और बटरफ्लाई में उतना एग्रेसिव प्रॉफिट नहीं दिखता जितना ऑप्शन में दिखता, वो फ्यूचर में ही हो सकता है ना. तो डिपेंडिंग ऑन योर कैपिटल और आपका माइंड मैनेजमेंट कैसे, उसके हिसाब से यू कैन डिसाइड आप यू वांट टू टेक अ निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन वी shift from one side, yeah you can shift but after the expiry to expiry. Once you select in the June ka expiry 28 se start hoga, it's a monthly charges 28 to next 28, matlab next June July ke expiry ke pehle din wo khatam ho jayega month ke last Thursday ko, to wo package wahan pe khatam ho, to you can shift your strategy from one to another, but in between strategy supplement ke options mein nahi dunga. Aisa laga ki aapne join kiya, initially 4-5 din loss, aapko lag raha hai nahi abhi to mujhe change karna hai, main nahi kar paunga. Sorry to say that. ठीक है. Another one is कि yeah, so you have to just share your password and ID. That will be secure मेरे साथ. और क्या, मैं सबका password ID लेके कुछ नहीं करता. मैं directly मेरे laptop में मैंने जो server खरीदा है उसमें punch कर देता. That's it. तो everyday आपको everyday login भी करने की जरूरत है. कभी-कभी account block हो जाता है. At that time only सिर्फ आपको unblock के लिए मैं message कर दूंगा कि आपका account unblock कर लो. बस उतना ही आपको करना. But everyday need not to लॉग इन टू योर अकाउंट और चेक करो, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती इन ये मेरे अल्गो में. हेलो, डोंट आस्क अबाउट द परफॉर्मेंस क्या है. आई विल शेयर ऑल द परफॉर्मेंस टू द पब्लिक प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पे मैं पब्लिश कर दूंगा. आप ईच एंड एवरी मंथ का पर्सनली जाके डेट वाइज देख के सब चेक कर सकते हो. डेट वाइज परफॉर्मेंस भी वहां पे रहेगा. लास्ट 1 ईयर, 1.5 ईयर, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स का सब, किसी किसी का 5 ईयर्स का भी. इज दैट ओके? या सो यहाँ पे मुझे मत बताओ कि परफॉर्मेंस क्या है. या रिलायंस एंड बजाज का है ना, किसी किसी मंथ में 7,000 प्रॉफिट भी दिया, किसी मंथ में 16,000 का भी प्रॉफिट दिया जिस दिन पहले मंथ हम लोगों ने स्टार्ट किया था. बट लास्ट 2 मंथ वोलेटाइल है, तो हार्डली 3,000-2,000 प्रॉफिट आ रहा है. ये श्री करके कौन है, व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर ऑफ द वेरियस स्ट्रेटजीज,
सो दिस इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी, बैंक निफ्टी सिल्वर स्ट्रेटेजी जो नाम दिया है, सिल्वर स्ट्रेटेजी, बैंक निफ्टी सिल्वर स्ट्रेटेजी एंड निफ्टी सिल्वर, दैट इज नथिंग बट द बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी. इन बटरफ्लाई व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 60,000. आपका मार्जिन 60,000 हो जाता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बटरफ्लाई एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैडल एंड बटरफ्लाई. स्ट्रैडल में क्या होता है, एट द मनी का कॉल एंड पुट शॉर्ट होता है, दैट इज अ स्ट्रैडल. इन निफ्टी बटरफ्लाई क्या होता है, 9:45 को एट द मनी का स्ट्रैडल में होता है शॉर्ट, मतलब कॉल एंड पुट दोनों शॉर्ट होते हैं, और आउट ऑफ द मनी का एक पुट एंड एक कॉल हम लोग बाय करते हैं, तो उससे मेरा मार्जिन रिड्यूस हो जाता है. क्या बोला मैंने, एटीएम के दो कॉल शॉर्ट होते हैं, एक कॉल और एक पुट शॉर्ट होता है, एंड आउट ऑफ द मनी का एक पुट एंड कॉल बाय होता है, मतलब एक कॉल शॉर्ट होता है, एक पुट शॉर्ट होता है, एक कॉल बाय होता है, एक पुट बाय होता है, दैट इज कॉल्ड एज बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी. बहुत ही सेफ होता है, बट मार्केट भी स्टेबल होना चाहिए इसके लिए. इसके भी मैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट इस मंथ के मैं आपको बताऊंगा. इसके मंथली चार्जेस 2,000 rupees है. इसके मंथली चार्जेस कितना है, 2,000 rupees. ठीक है, इसके भी जितने भी मेरे परफॉर्मेंस है, ये जो आप पूछ रहे हो, ये परफॉर्मेंस सारे मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको पोस्ट कर रहा हूँ. ठीक है, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन कि व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसेस. फर्स्ट प्रोसेस, यू हैव टू ओपन द अकाउंट यूजिंग माई लिंक, दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस. आफ्टर ओपनिंग द अकाउंट यू कैन जस्ट ट्रांसफर द फंड इन अलाइज ब्लू डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रैटेजी. कौन सा स्ट्रैटेजी आप सिलेक्ट करो उसके हिसाब से आप फंड डिपॉजिट करोगे. थर्ड, आपका पासवर्ड और आईडी जो मैं आपको बताऊंगा क्या सेट करना है, हर एक अकाउंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, वो आपको सेट करना पड़ेगा. वो सेट करके आपको पूरा जो आपका अकाउंट नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या, वो जो प्रोसेस होगा पूरा मुझे सबमिट करना पड़ेगा. देन डेली मैं आपके हाफ में मेरा सर्वर जो है वो आपके अकाउंट में ट्रेड करेगा. आपको इवनिंग में जाके जस्ट चेक करना है कि मेरे अकाउंट में ट्रेड हुआ कि नहीं, एग्जैक्ट प्रॉफिट लॉस हुआ कि नहीं. That is your overall process. That's it. Yeah. Okay. Thank you. Palani sir, are you there? Yes. Yes, sir. Can you share your experience about Bank Nifty Future about first month, then last month, and this month? Okay. I joined the algo trading. I think we started with the crude actually, and from March I joined. Bank Nifty futures algo. What happened in that month? There was a loss of around 60,000. The issue was we have been in between. There have been manually booking profits, and we didn't take a big trade actually in that month actually March. Since it was done intermittently manually booking the profits, we missed one big short call, and we missed around 40,000 or 45,000. So the total loss of March in the month of March was around 65,000 actually. And in the April, almost the loss was completely recovered. And in that also, some of manual interventions were there in that, because we started booking some manual profits. But most of the signals were automated signals, algo signals. So the loss in the month of March was almost recovered in the month of April. In the May also it was almost automated signals. It was around 30,000-35,000. But most of the 3-4 calls, since it was loss in the previous month, manually somewhere it was booked 3-4 times actually. So the profit was around 50,000 roughly. I don't know. I didn't exactly calculate it. But if it automated process was there, it was around 30,000 plus in the month of May till yesterday's close. Yes, but manually we booked almost 60,000 plus till now. Yes, yeah, yes, yes. Manually we booked it, but that's why it's 60,000. If I have calculated what if it has been automated. Automated was around 30,000 actually. So that's the key. Whenever we require a manual interpretation, mein manual. जैसे किसी ने बोला कह रही है तो market तो volatile में मैं तो full time trader हूँ. I am in front of screen. तो मैं डिसाइड करता हूँ कि हाँ ये सिग्नल लेना है नहीं लेना, तो वी कैन अवॉइड. ये फ्यूचर में पॉसिबल होता है, बटरफ्लाई स्ट्रैडल में मैं नहीं करता मैनुअल इंटरप्रिटेशन. ठीक है, या एनीथिंग एल्स सर? गुड मॉर्निंग. या गुड मॉर्निंग. आई एम स्टार्टिंग स्टार्ट करना चाहता हूं. दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन. इफ यू पुट अ इनिशियली 2.5 लाख एंड लक बाय चांस लॉसेस इज देयर 50,000,
then for the next month you have to put again 50,000 in your account, because margin requirement is 1.9 lakhs currently, current situation ke hisab se. कल बैंक निफ्टी अगेन मूव कर रहा है तो वो 2 लाख हो जाएगा मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर द पोजिशनल साइजिंग एंड इफ इन योर अकाउंट 2 लाख इज नॉट देयर देन आपका ऑडिट ट्रिगर नहीं होगा ठीक है सो दैट्स व्हाई यू हैव टू मेंटेन दैट प्रॉपर 2.5 लाख इन योर मंथ ऑन मंथ अगर 2.3 होगा तो नो प्रॉब्लम बट 2 लाख हो गया तो यू हैव टू इंक्रीज योर अमाउंट ओके फॉर दिस एंटायर अल्गो ट्रेडिंग योर माइंड मस्ट बी स्टेबल मस्ट बी कूल मतलब दो दिन लॉस देखने के बाद भी आप कूल होने चाहिए या दो दिन प्रॉफिट देखने के बाद भी आप अरे वाह अभी प्रॉफिट हो रहा है अभी तो प्रॉफिट ही होगा ये जो अजम्पशंस है पास्ट में रहना फ्यूचर प्रेडिक्ट करना उससे बेटर प्रेजेंट में हम लोग कैसे रह सकते हैं अपना माइंड को कूल कैसे रख सकते हैं माइंड को बेटर कैसे रख सकते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट जिनका माइंड अपने कंट्रोल में है ना तो ये आप आपका पैसा भी कंट्रोल में रख सकते हो अदरवाइज बहुत बार मैंने देखा है ग्रीड फैक्टर देखा है फियर फैक्टर्स भी देखे इवन अल्गो में भी कि मैंने बोला कि भाई आप रिस्क फ्री ट्रेडर हो तो बैंक निफ्टी फ्यूचर हो जैसे लास्ट टाइम बहुत जन आ गए थे और फिर लॉसेस के तो इस मंथ कंटिन्यू नहीं किया मैंने बोला था अरे कंटिन्यू रखो बट नहीं रखा और वो 60,000-65,000 जो प्रॉफिट था वो उन्होंने मिस कर दिया तो कंसिस्टेंसी होना बहुत अगर आप अल्गो में आ रहे हो तो आप ये सोच के आओ कि भाई आपको कम से कम 3 से 6 महीना ये अल्गो में रहना है तो आपको कुछ आउटपुट दिखेगा उसके लिए प्रॉपर माइंड मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट आपके पास अगर प्रॉपर माइंड मैनेजमेंट नहीं है तो यू डू द डेली मेडिटेशन योगा करो उससे आपका माइंड कंट्रोल में रह सकता है स्टिल बहुत जन को नहीं पता कि मेडिटेशन कैसे करते हैं माइंड को कैसे कंट्रोल रखते हैं प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहना है कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है ग्रीड एंड फियर के इमोशंस को कैसे रिड्यूस करना है ये जो भी सब फैक्टर्स है एक माइंड मेडिटेशन एंड ब्रीथ मेडिटेशन का प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है जो मेरे मेंटोर लेते हैं नेक्स्ट मंथ है उनका वन टाइम डोनेशन होता है दोज आर इंटरेस्टेड मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एक बार इन्वेस्ट करो अपने माइंड के ऊपर और लाइफ टाइम एंजॉय करो और उनके डेली प्रैक्टिस सेशंस भी होते हैं मॉर्निंग में ड्यूरिंग द लॉकडाउन इस पेंडेमिक सिचुएशन में ये बहुत जरूरी है कि आप आपका माइंड कंट्रोल कैसे रखते हो तो दोज आर इंटरेस्टेड कि अपने ग्रीड फियर अपने माइंड को कंट्रोल रखना है अपने हाथ में रखना है अपना डिसीजन खुद लेना है वो लोग प्लीज मुझे कॉन्टैक्ट करो मैं वो लिंक आपको भेजता हूँ प्लीज ज्वाइन दैट मेडिटेशन प्रोग्राम विथ मी माइंड मैनेजमेंट प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है 4 days का होता है मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग ऑल 3 batches अवेलेबल है तो यू कांट से कि मेरे पास टाइम नहीं है और यू कांट से मेरे पास पैसे नहीं क्योंकि वन टाइम माइंड के ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है और जो लोग ने ऑलरेडी किया हुआ है वो डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं उसका तो दोज आर इंटरेस्टेड वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और कमेंट करना मत भूलिए Thank you.